चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेन अ सिंगल कॉपर वायर ऑफ रेडियस 9 मिलीमीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम। दिस केबल इज रिप्लेस बाय 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ईच ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल बी कितना होगा। अच्छा देखो, एक सिंगल कॉपर वायर है, ठीक है, सिंगल, जिसका रेडियस दिया हुआ है 9 mm, ये रेडियस दिया हुआ है 9 mm, 9 mm दिया हुआ है, तो 9 × 10³ हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके R की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह दिस केबल इज रिप्लेस बाय 6 इंसुलेटेड केबल वायर, मतलब छोटे छोटे केबल वायर में हमने 6 केबल वायर लगा दिए, 2, जिसका रेडियस जो है 1, 2, 3, 4, 5, एक और लगा देते हैं, 6 हो जाएगा, और सबका रेडियस जो है वो 3 mm है। 3 mm मतलब मीटर में होगा, 3 × 10⁻³ - 3 मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस, अच्छा इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ × L/A। लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं लेंथ नहीं दिया हुआ, रहने दो, ठीक है, लेंथ हो सकता है, अच्छा ठीक है, इसकी जगह रिप्लेस किया जाए तो इसका भी लेंथ वही होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी भी रो मान लेते हैं, सेम मटेरियल का है, ठीक है, क्योंकि कॉपर वायर ये भी था, कॉपर वायर ये भी है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। चलो पहले चलिए करते हैं, रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम इज इक्वल टू ρ × L/A, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया π r² r का मतलब 9 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये पहले केस में हो गया, पहले केस का हो गया। दूसरे केस का क्या होगा, इसमें 6 रेजिस्टेंस है ना, तो पहले सिंगल का निकालते हैं, सिंगल का क्या होगा, ρ × L/A, a की वैल्यू कितनी होगी, π × 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो और अच्छा वो पैरेलल में लगे होंगे क्योंकि रिप्लेस किया जा रहा है इसकी जगह ये, तो पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंगल का 6 टाइम हो जाएगा, सिंगल रेजिस्टेंस का 6 टाइम R/N होता है ना, अगर N रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होता है, तो उसकी वैल्यू ρ × L/π × 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, इसको 9 × 10⁻⁴ कर देते हैं, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 × 10⁻⁶ कर देते हैं, और 1/6 है तो 1/6 यहाँ लिख देते हैं, हो गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट, अब हम इस इक्वेशन को 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन को 2 कहते हैं, 2/1 कर दो, 2/1 करोगे तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन 5 इज इक्वल टू ρ × L/6 × π × 9 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू R × L × π × 9 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ρ × L क्या कटा, पाई से पाई कटेगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ऊपर जाएगा ना, 9 × 10⁻² है ना इसका, 81 × 10⁻⁶ होगा, डिवाइडेड बाई L से L भी कटा है, 6 यहाँ पर है और 9 × 10⁻⁶ है, 6 × 10⁻⁶ कटा और 9 से ये 9 गया आएगा, 9/6 3/2 होगा, तो R equivalent by 5 is equal to 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, R = 5 15/2, यानी 7.5 ओम R की वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू 7.5, ये पहले ही वाला तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,